आप सबको याद होगा कि पिछले मॉनसून में सेक्टर 104 के पास बहुत सारा पानी जम गया था, सेक्टर 104 और 103 के पास, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का सरफेस रोड है जहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि 22 मई 2022 को बारिश हुई थी और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है 27 मई 2022 को, तो 5 दिन के बाद भी ये वाला जो सेक्शन है सेक्टर 104 का, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये वाला जो पूरा सेक्शन है सेक्टर 104 का, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पानी जमता है और पानी क्यों जमता है और इसका क्या सॉल्यूशन है और इसको कैसे फिक्स करेंगे, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए, ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है, यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो सेक्टर दिख रहा है आपको, ये सेक्टर 105 है, ये सेक्टर 104 है, ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 103 है, या यहाँ पे जो आपको गांव दिख रहा है ये दौलताबाद गांव है, और यहाँ पे जो आपको सेक्टर दिख रहा है ये सेक्टर 106 है। मैप ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ, आपको और क्लियरली अब नज़र आएगा। देखिए, ये वो इंटरसेक्शन है जहाँ पे मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड रास्ता है वो सर्विस फ्लाईओवर के साथ जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर के बीच में और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में बैरिकेड्स नहीं होंगे। यहाँ से आप अगर गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आप इस पोर्शन से द्वारका एक्सप्रेसवे पे एलिवेटेड रास्ते पे भी एंटर कर सकते हैं, या आप सर्विस फ्लाईओवर को लेके सीधा एग्जिट कर सकते हैं इस इंटरसेक्शन को। उसी तरीके से अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आप रैंप के थ्रू ऊपर चढ़ेंगे सर्विस फ्लाईओवर पे और सर्विस फ्लाईओवर से आप एंट्री ले सकते हैं मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के कैरिजवे में। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, देखिए, इस पिलर से लेकर लगभग इस पिलर के पास, ये एक लो लाइंग एरिया है जहाँ पे बारिश में पिछले साल बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और बहुत दिक्कतें हुई थी लोगों को आने जाने में यहाँ पे, और इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आ गया था यहाँ पे कि ट्रैफिक जाम लग गया था और बारिश के वजह से इतना पानी भर गया था कि लोग इधर से दूसरी तरफ मूव ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम रास्ता भी प्रॉपर बना नहीं था। तो एक साल हो चुका है उस इंसिडेंट को, लगभग जून 2021 की बात है वो, आज हम मई 2022 एंड में है, और आज के डेट पे जब एक दिन बारिश हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या स्टेटस हुआ उसके बाद वो आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि जो पैकेज 3 का काम है वो दिसंबर 2018 से शुरू हो गया था, आज हम 2022 में हैं, और आज के डेट पे इतने सालों के बाद भी यहाँ का जो सरफेस रोड है यहाँ पे आज भी पानी भर रहा है। उसका क्या रीज़न है पानी भरने का, क्यों पानी भर रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको दिखाऊंगा, करंट स्टेटस क्या है वहाँ पे वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक इसी तरह जैसे ये पिलर्स ख़त्म होते हैं यहाँ पे, तो रैंप शुरू हो जाता है। रैंप से जब आप यहाँ पे नीचे उतरेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो इस सेक्शन में भी ये पूरा यहाँ पे लेक बना हुआ है, तो वो लेक भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक लेक यहाँ पे दिखाऊंगा सेक्टर 104 में जो हमारे पैकेज 3 के कॉन्ट्रैक्टर ने बनवाया है, और दूसरा लेक आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बारिश के बाद यहाँ पे लेक बन गया है थैंक्स टू पैकेज 3 के कॉन्ट्रैक्टर, जो काम बहुत धीरे कर रहे हैं, जिनके वजह से यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको इतनी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। अगर आप भी यहाँ के रेसिडेंट हैं तो मैंने YouTube के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने ट्विटर के ट्वीट को पिन कर दिया है, आप उसे रीट्वीट कीजिएगा। अगर आपके पास ट्विटर आईडी नहीं है तो प्लीज़ ट्विटर आईडी बना लीजिएगा, मुझे फॉलो करके वहाँ पे रीट्वीट ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स भी लिखिएगा रिप्लाई में उस ट्वीट के कि आपको कितनी दिक्कत हो रही है काम स्लो चलने के वजह से। हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 1 साल में 6 महीने में, बट जैसे हम उस स्टेज में पहुँचते हैं जहाँ 6 महीना बचा हो, तो पता चलता है कि बार बार टाइम एक्सटेंड हो जाता है। जो जिस स्पीड में यहाँ पे काम चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगले 6 महीने में काम यहाँ पे पैकेज 3 का कंप्लीट हो पाएगा। आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको और एस्केलेट करना है इस मैटर को कि काम डिले चल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप pgportal.gov.in में जाइएगा, वहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जाइएगा, वहाँ पे NHAI के अंडर जाकर कंप्लेन ज़रूर लॉक कीजिएगा कि गवर्नमेंट को भी पता चलना चाहिए कि काम स्लो चल रहा है। आई डोंट नो ये क्या रिपोर्टिंग करते हैं या गवर्नमेंट इससे क्या रिपोर्टिंग ले रही है काम के बारे में, लेकिन काम यहाँ वाकई में स्लो चल रहा है। आइए मैं आपको ग्राउंड स्टेटस दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये भी बताता हूँ कि हम सबको क्यों परेशानी हो रही है इस जगह पे। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं,
नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रोस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ और ये सेक्टर 104 है। मेरे पीछे आपको नदी दिख रहा होगा, ये नदी नहीं है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सरफेस रोड है यहाँ पे, जिसे पैकेज 3 के कॉन्ट्रैक्टर L&T ने बनाया है। और सिर्फ यहाँ पे अब बोटिंग शुरू करवाने की देरी है, जल्दी हो सकता है बोटिंग भी शुरू करवाएंगे। आइए मैं आपको यहाँ पे जो नदी बना हुआ है बारिश के 5 दिनों के बाद, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा इस वीडियो में, और इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अब देखिए ट्रैक्टर जा रहा है और पानी कितना है आप देखिए, मैंने इनको स्पेशली बोला है कि वो जाएं, देखिए कहाँ तक पानी में घुस गया ये ट्रैक्टर। तो नॉर्मल कार या बाइक या टू व्हीलर्स वाले जो होते हैं वो तो बिल्कुल पानी में फंस ही जाते हैं यहाँ पे। एंड इमेजिन कीजिए ये जो रास्ता है, ये ब्लैक टॉप भी हुआ था, इसको बनाया भी गया था और अभी भी यहाँ पे पानी जम रहा है। इनफैक्ट अगर आप वहाँ साइड में देखेंगे तो आप देखेंगे दो दो ड्रेन, एक तो यहाँ पे आपको ड्रेन दिखेगा, देखिए ये जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे आपको ड्रेन दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर, दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये पूरा इसका जो बाउंड्री वॉल है जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे ड्रेन ऑलरेडी बना हुआ है बट पानी जो है वो ड्रेन में ही जा रहा है। हो सकता है कि ड्रेन के अंदर अभी मिट्टी विट्टी स्लज हो, लेकिन इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए वहाँ पर भी ड्रेन है लेकिन पानी वहाँ पे भी नहीं जा रहा है। ये देखिए पीछे वाला जो ड्रेन है, ये जो आपको बॉक्स है यहाँ पे उठा हुआ दिख रहा है, देखिए वहाँ पे भी ड्रेन है। तो वो GMDA ने ड्रेन बनाया था पीछे वाला, सामने वाला जो ड्रेन है वो NHAI ने बनाया है, ये वाला NHAI ने बनाया है, पीछे वाला GMDA ने बनाया था पहले पुराना। लेकिन आप देखिए कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे ट्रैफिक को मूव करने में। अब यहाँ से ये भी जा रहे हैं लेकिन वो ऊपर चढ़ जाएंगे रॉन्ग साइड में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। और देखिए अब इमेजिन कीजिए कि ये जो रास्ता है 2019 में काम इसका शुरू हुआ था और आज भी यहाँ पे पानी भर रहा है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ा पैच नहीं जहाँ पे पानी भरा है, जब बारिश हुई होगी तो पानी और भी ऊपर आया होगा। आज तो मैं तकरीबन 4-5 दिन के बाद आ रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, ट्रैवल कर रहा था। बट आज के डेट में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा जो है पानी भरा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस पिलर के पास हूँ, सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, ये देखिए ये पिलर नंबर 129 है। यहाँ पे सामने जो आपको घर दिख रहे हैं वो दौलताबाद गांव है, सेक्टर 103 मान लीजिए उसको। और यहाँ पे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये सेक्टर 103 में मायरा होम्स है। आप सबको पता होगा कि मायरा होम्स का आज के डेट पर क्या हाल है, कुछ फ्रॉड हुए हैं बड़े बड़े जो पता चले। और यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, कितनी दिक्कत हो रही है इनको जाते हुए। तो लोगों ने ये रास्ता यूज़ करना भी बंद कर दिया है और इस रास्ते को यूज़ कर रहे हैं देखिए आने जाने के लिए। और यहाँ सामने देखिए कितनी दिक्कत हो रही है इस गाड़ी को भी आते जाते हुए। अब देखिए गाड़ी तो चलिए किसी तरह वो निकल गई, अब वहाँ आपको दो बच्चे दिख रहे होंगे, उनको इमेजिन कीजिए कि कितनी दिक्कत हो रही है आने जाने में। वो तो वहाँ खड़े हैं ये सोच के कि कैसे क्रॉस करें ये नदी, कुछ और गाड़ियाँ अभी जाएंगी। वो देखिए वो गाड़ी तो बिल्कुल डूब सी गई थी, अभी जो आ रही है वाइट वाली, दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा सकती, इनका तो पूरा बम्पर अंदर चला गया देखिए। अगर थोड़ी स्लो होती तो गाड़ी वहीं रुक जाती। और यहाँ पे आप देखिए ये डंपर जा रहा है, और यहाँ पे भी आप देखिए आगे जाके जहाँ पे वो गाड़ी है वहाँ जब ये जाएगा तो इसकी भी टायर जो है ना वो अंदर चले जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि बारिश ख़त्म होने के 3-4 दिन के बाद यहाँ पे अभी भी इतना पानी है, तो बारिश के टाइम पे कितना पानी हुआ होगा। और ये भी आप इमेजिन कीजिए कि हम May 2022 के एंड में हैं और December 2022 पैकेज 3 का टाइमलाइन है जिसमें इसको कंप्लीट कर देना है। संभव लगता है आपको? मुझे नहीं लगता ऐसा। देखिए बेचारे टू व्हीलर ये भी इसी गीले पानी में फंस के जाएंगे, अब बच्चे किसी तरह देखिए वहाँ पानी से निकल रहे हैं बाहर,
अब आप ये इमेजिन कीजिए कि जिस दिन बारिश हुई होगी उस दिन यहाँ पे कितना पानी होगा। पानी का आउटलेट होना चाहिए क्योंकि यहाँ नाले बने हुए हैं। ये सर्विस फ्लाईओवर देखिए, यहाँ से रैंप नीचे जाता है, रैंप जहाँ नीचे जाएगा वहाँ पे भी पानी जमा हुआ है और यहाँ पे भी पानी जमा हुआ है। अब तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम दिखा दिया, इसका सोल्यूशन क्या है? मेरी L&T के हेड्स के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने बताया था मुझे बारिश से पहले भी कि ये वाला जो एरिया है ये लो लाइंग एरिया है सेक्टर 104 का। तो सामने सेक्टर 104 है, यहाँ पे वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हीरो होम्स दिख जाएगा, अंसल का टाउन वॉक दिख जाएगा, इंडिया बुल्स का एक कमर्शियल है 104 में वो दिख जाएगा, देन पूरी इमरल्ड बे दिख जाएगा। अब ये देखिए फिर से गाड़ी बिल्कुल अंदर चले जा रही है पानी में, देखिए 3-4 गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसके जितनी हाइट है वैसी इसकी क्लियरेंस होगी। ये देखिए कोई छोटी गाड़ी हो तो आगे का जो बम्पर है वो भी पानी के अंदर ही होता। ये देखिए तो बारिश वाले दिन सोचिए कितना पानी होगा यहाँ पे। ये देखिए नंबर प्लेट भी निकल गया इनका। ठीक इसी तरह आगे वाला जो जगह है ना वो वाला, वहां पे और भी डीप गड्ढा है। तो ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखा दी, अब सॉल्यूशन ये है कि L&T के ऑफिस में मेरी बात हुई थी इस वाले एरिया को लेके, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे ये पानी वाला प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो एरिया है ये लो लाइंग एरिया है। तो अब होना क्या है, यहाँ पे तो ब्लैक टॉप ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब होना क्या है, तो अब यहाँ पे होना क्या है कि उन्होंने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे क्योंकि लो लाइंग एरिया है तो पानी हमेशा जमेगा ही जमेगा बारिश में। तो इसके लिए अब सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन ये है कि ये जो रोड का हाइट है इस तरफ आगे से लेकर ये पूरा इस रोड को, वो इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे। आप देखिए कैसे फंस के जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए वहाँ आपको सही में दिखेगा कि पानी में कितना डूब रहा है कार, देखिए अटक गए ना, ये जाना चाह रहे हैं आगे ना वो आगे जाना चाह रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही इनकी कि उधर से निकाल ले। ये ट्रक आ रहा है, ये अब यहाँ पे कहीं पे गड्ढा है बड़ा सा, यहाँ इस जगह पे ना यहाँ पे गड्ढा है, देखिएगा आप अभी ये गाड़ी फंसेगी वहाँ। ये देखिए किस तरीके से आना जाना कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पत्थर भी गिरे हुए हैं यहाँ पे, अब ये अंदर जाएंगे, देखिए ये गाड़ी का बोनट भी गया है इस जगह पे, देखिए गाड़ी अंदर चले जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना प्रॉब्लम है पानी की वजह से, और ऐसा नहीं है कि पानी अभी भी आया, इसको ये चीज़ इनको पिछले साल भी पता था, पिछले साल में जब जून में बारिश हुई थी तब भी ये आइडिया था यहाँ पे कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, तो तभी इस एरिया को ऊपर उठा देना चाहिए था। एक साल हो गया, एक साल के बाद यहाँ पे हम दोबारा आए हैं और दोबारा भी सेम सिचुएशन है। देखिए आई डोंट नो, इंडिया की इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T और उनके इंजीनियर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करें कि आज भी यहाँ पे वाटर लॉगिंग है। सॉल्यूशन इसका यह है कि अब इसकी हाइट को इंक्रीज़ किया जाएगा, नाले की हाइट को भी इंक्रीज़ किया जाएगा, तो अपने आप यहाँ का जो पानी वो नाले में बह के फिर अपने अपने जगह पे चला जाएगा। बट फिलहाल यहाँ पे देखिए कितना सारा पानी जमा हुआ, और इस पानी के जमे होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरफ है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। देखिए इस वक्त मैं पिलर नंबर 140 के पास हूँ, ये सामने पिलर नंबर 140 है, और यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो हाई राइज बिल्डिंग्स आपको जो दिख रही हैं, ये सेक्टर 103 है जिसमें अंसल हाईलैंड है, अंसल और SBL का स्टेला प्रोजेक्ट है, और काफ़ी सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी हैं यहाँ पे, और ये सेक्टर 104 है जैसा कि आपने देखा था। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो जो इंटरसेक्शन है सबसे बड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे का वो दौलताबाद गाँव के पास है, और ये वाला जो जगह आप जो देख रहे हैं जहाँ पानी जमा हुआ है ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है या कोई लेक नहीं है, ये
L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा बनाया हुआ रैंप है। तो आप यहाँ पे इस रैंप, हालांकि ये रैंप पूरा भी नहीं बना है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कोशिश की है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी महत्व दिया जाए। तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, इन सब के पैरों के निशान, पदचिन्ह मिलेंगे आपको यहाँ पे, और यहाँ उनके लिए स्विमिंग पूल की तैयारी की गई है। और अभी तक आप देखिए तो रैंप भी नहीं बना है, ये वाला रैंप, इधर वाले रैंप में तो अभी फ्लाईओवर का जो सेगमेंट्स लगना है वो भी लगना शुरू नहीं हुआ है। रैंप के आगे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो जहाँ पे मैं था पिलर नंबर 129 के पास, वहाँ पे आपको पिलर्स दिख रहे थे सर्विस फ्लाईओवर वाले, तो यहाँ पे वो सर्विस फ्लाईओवर का रैंप है ये, जो आपको अभी स्विमिंग पूल या लेक जैसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे भी पानी जमा हुआ है, बारिश के मौसम में यहाँ पे जानवर मज़े लेंगे, भैंस यहाँ पे डूब के नहा रही होगी, और जो मक्खियाँ हैं या मच्छर है वो यहाँ पे पनप रहे होंगे, और यहाँ के रेजिडेंट्स को काटेंगे, फिर उनको डेंगू मलेरिया ये सब होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को हमारी तरफ से बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया यहाँ पे। और इस समय शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जितना स्ट्रेच मैंने आपको दिखाया पिलर नंबर 129 से लेकर पिलर नंबर 140 तक, यहाँ पे आपको एक भी वर्कर नहीं दिखा होगा, एक भी वर्कर नहीं है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, उसी तरीके से जो लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे, तो जैसे ये बैरिकेटिंग जहाँ ख़त्म हो रही है, इससे पहले मैं वहाँ से वीडियो बनाता हूँ, वहीं पे पानी पूरा जमा हुआ है। और देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि रोड ब्लैकटॉप नहीं है यहाँ पे, और क्योंकि रोड ब्लैकटॉप नहीं है तो उसके वजह से धूल मिट्टी उड़ रही है तो पॉल्यूशन हो रहा है। तो आप जितने भी रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, जहाँ पे भी आपको ऐसे धूल मिट्टी उड़ता हुआ दिखे, वहाँ पे एक गाड़ी रोकिए या वहाँ पे कुछ देर रुकिए और समीर ऐप खोलिए, समीर ऐप में जाकर कंप्लेन लॉक कीजिए। यहाँ पे पेव्ड रोड नहीं है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है बारिश होने के बाद भी। और ये जो पानी आप रुका हुआ देख रहे हैं, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, पानी आज भी यहाँ पे जमा हुआ है। पिछले साल यहाँ पे और भी बड़ा स्विमिंग पूल था, क्योंकि गड्ढा था यहाँ पे, अब तो खैर स्विमिंग पूल थोड़ा छोटा हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।